ये देख सकते हैं आप लोग, बस इतनी सी साइड पर धूप आ रही है और बाकी ये यहाँ से पूरा छाव है। साग की कंडीशन कुछ ऐसे है और अभी बस इसको लगाएंगे हम घोटा। मक्खन पूरा निकल चुका है ये देखें, और बाकी अभी ये रहा और ये मैं निकाल रही हूँ। तड़का रेडी हो गया है और इसको डाल देंगे साग के अंदर। अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और अभी मैं बस यहाँ तख्त पर बैठी हुई थी और अभी मैंने बनाया है बहुत सारा साग, बना बना के थक गई तो थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पर बैठ गई। धूप तो खैर यहाँ नहीं आ रही है, तो धूप आ रही है बस इतनी सी साइड पर, ये देख सकते हैं आप लोग, बस इतनी सी साइड पर धूप आ रही है और बाकी ये यहाँ से पूरा छाव है। तो मैं वैसे तो यहाँ काफ़ी देर से बैठी हुई थी, धूप खा रही थी, और अब अंदर जाने के लिए मैं अंदर जा रही थी तो मैंने सोचा चलें थोड़ा सा व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं और अंदर चलते हैं। और मैं बना रही हूँ साग, और पता नहीं भाई मैं हूँ उर्दू स्पीकिंग तो मैंने कभी साग बनाया नहीं है, ट्राई कर रही हूँ। एक मर्तबा बनाया था पिछली सर्दियों में और अभी इस सर्दी दोबारा बना रही हूँ, फर्स्ट टाइम समझ लें इस सर्दी का फर्स्ट टाइम है। पिछले साल जो बनाया था वो तो मैं भूल भी गई और अब मैं दोबारा से बना रही हूँ। ये देखें सुबह से कटिंग में लगी हुई हूँ। साग है इसमें, सरसों का साग है और इसमें है मेथी थोड़ी सी, पालक है और बतुए का साग है। हाँ, एक दो तीन, तीन चीज़ें हैं, चार चीज़ें। तो इससे मैं साग बना रही हूँ। इसमें मैं डालूँगी ग्रीन चिली, वैसे तो साबुत लहसुन डलता है लेकिन मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी। तो अभी साग बनाते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं, कहीं नहीं जाना है, मेरे साथ ही रहना है। तो चले बनाते हैं, और कोई गलती हो तो भाई आप लोग जो भी मुझे देखने वाले हैं अगर साग के एक्सपर्ट हैं तो प्लीज़ मुझे बताएं कि मैंने साग सही बनाया है या नहीं, या कोई खामी है, कोई गलती है, जो भी है रेसिपी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी जैसी भी है। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ये कपड़े आ गए हैं सूख के अच्छे तरीके से, बाहर से मैं ही लेकर आई हूँ, आ गए कैसे, मैं लेके आई हूँ, चल चल के गई हूँ, आई हूँ, गई हूँ, आई हूँ, बाहर तो कपड़े आए हैं और इन्हें अब तय बनाना है और रखना है तय बनाकर। और मोहम्मद अरशान ने नाश्ता इनकम्प्लीट किया, थोड़ा सा ये छोड़ दिया, थोड़े से पराठे के एक दो बाइट्स छोड़ दिए हैं। तो अभी ऊपर आएंगे तो खा लेंगे, वो नीचे गए हुए खेलने। तो अभी चलते हैं किचन में, और जो मैंने साग धोकर रखा था अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि साग बना रही हूँ, तो जो साग मैंने धोकर रखा था तो इसका पानी निकल चुका है अच्छी तरीके से, थोड़ा बहुत जो है वो इसमें भी निकल गया है। तो अब साग बनाते हैं और स्टार्ट करते हैं। ये सारा का सारा साग मैं डाल लेती हूँ इस पतीली में। साग आ गया है सारा इसके अंदर, और अभी अदरक लहसुन डाल देते हैं पेस्ट। कितना डालना है पता नहीं बस डाली जा रही हूँ मैं तो, अच्छी बात है ना, ज़्यादा हो तो मज़ेदार सा टेस्ट आ जाता है। और अब डाल देते हैं हरी मिर्चें, ये कोई 8 से 10, कितनी तकरीबन 10-12 हरी मिर्चें हैं, बीच में से दो करके या छोटी काट के जैसे भी मर्जी काट के, क्योंकि इसको घोटना तो है ही, तो ये हरी मिर्चें काट के डाल देते हैं इसके अंदर और फिर इसको चढ़ा देंगे चूल्हे पर। एक कप, एक मग, मग इतना बड़ा वाला, एक मग पानी डालूंगी, इससे ज़्यादा नहीं डालूंगी वरना फिर पानी खुश्क नहीं होता है, क्योंकि पालक में भी पानी है और साग में भी पानी होता है, तो इस वजह से बस कम ही पालक और वो डालूंगी। अभी इसको कटिंग कर लेती हूँ और उसके बाद फिर इस साग को चढ़ा देते हैं चूल्हे के ऊपर और फिर चढ़ा के भूल जाएंगे। गैस ही हमने चढ़ा दिया है और इसको ढक देते हैं, पकने के लिए रख दिया है। और यहाँ पर आज मैं बनाने वाली हूँ, अगर टाइम मिला तो, टाइम नहीं मिला
तो फिर ये कल पे चला जाएगा, वरना आज मैं बनाऊंगी। ये मलाई है, दूध की मलाई जो होती है, दूध की मलाई है, इसको मैंने फ्रीज़र से निकाला है और इसको अभी ये जमा हुआ है, नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा। तो इसमें से निकालेंगे हम मक्खन, अगर पॉसिबल हुआ तो मक्खन निकालेंगे और इंशाल्लाह साग के ऊपर डाल के मज़ेदार ताज़ा ताज़ा फ्रेश मक्खन डालेंगे और खाएंगे। बेल बजिए, बाहर कोई आया है तो जाते हैं और देखते हैं कि कौन आया है। हमी चाहिए था सोया, जो कि उनके पास नहीं है सोया, तो अभी बस अंदर चलते हैं और देखते हैं, अगर सब्ज़ी वाला कोई और आया जिसके पास सोया हुआ तो फिर हम साग में थोड़ा सा सोया डालेंगे, टेस्ट अच्छा आता है, अदरवाइज़ फिर सोया नहीं डालेंगे, ऐसे ही बना लेंगे। और ये भी आप लोगों को बता चुकी हूँ मैं, तो इसको मैं लिड लगा के रख दूँ ऐसे। साग की कंडीशन कुछ ऐसे है और अभी बस इसको लगाएंगे हम घोटा, क्योंकि इसका तार हिलता है ना बहुत, तो पता नहीं चल रहा होता कि अभी भी। अच्छा, ये मैं एक नंबर पर कर रही हूँ और अब दो पे करूँगी, देखना कितना स्पीड आएगा। एक की स्पीड काफी है। तो भाई मैं इसको अच्छी तरह से घोट लेती हूँ साग को, फिर मिलते हैं, फिर आगे इसका लगाना है तड़का। गाइस ये देखें, मलाई एकदम से सॉफ्ट हो गई है, और ये वाली ये मलाई तो यहीं छोड़ें। अच्छा, इस मलाई जो इसके अंदर कंटेनर में थी, उस मलाई को मैंने इसके अंदर बीट करके और थोड़ा सा ठंडा पानी डाल के इस तरह से बना लिया। ये देखिए, ये दूध है, सही है, छाछ जिसको बोलते हैं, और ये आ गई हमारी हमारा मक्खन। अब मैं इसको निकाल के एक दफ़ा और ठंडा पानी डाल के ठंडे पानी से निकालती हूँ, जब तक अजान हो रही है मैं ये काम करती हूँ। ये देखें, बटर निकल गया है और अब इसमें से निकाल रही हूँ मैं बटर इस तरीके से। ये देखें, है ना बटर, थोड़ा सा और इसको चलाएंगे, अभी नीचे से कलर चेंज नहीं हुआ है, तो यहाँ से यहाँ इतने से पानी आ जाएगा ना, फिर इसको रोकेंगे। मक्खन पूरा निकल चुका है, ये देखें, और बाकी अभी ये रहा, और ये मैं निकाल रही हूँ, थोड़ी सी मैंने क्यूब्स डाली थी, ये एक हाथ से नहीं होता, इसको दो हाथ से करना पड़ता है ऐसे। इसके अंदर जो पानी होगा ना, इस तरह से करने से पानी निकल जाएगा, और कुछ कुछ इस तरह से उछल उछल के दूर दूर भी गिरेगा बटर। फिर चले फाइनल लुक दिखाऊंगी अब। मज़ेदार सा साग हमारा रेडी है, ये देखें कितना ज़बरदस्त है ना, मज़े का, कामयाब हो गई हूँ मैं, टेस्ट में भी बहुत मज़े का है। और यहाँ पर अब तड़का लगा रहे हैं, तड़के में डालूँगी मैं अदरक और लहसुन, मुझे बहुत पसंद है इसलिए लहसुन अदरक और हरी मिर्चें, बस और कुछ भी नहीं डालूँगी, थोड़ा सा देखो अगर ज़ीरा डालती हूँ तो डालूँगी, वरना नहीं, बस ये तीन चीज़ों का तड़का लगाएंगे मज़ेदार सा। तड़का रेडी हो गया और इसको डाल देंगे साग के अंदर। और इसको जल्दी से हम अब ढक देंगे ताकि जो मज़ेदार सा टेस्ट है ना इसका, फ्लेवर वो आ जाए। गाइस बटर का फाइनल लुक ये है, देखें कैसा है ना मज़ेदार बटर, होममेड। तो और साग भी देख लें एक बार, और है ना मज़ेदार साग, बस जी ऐसे ही आता है बनाना। और सर्दियों के खाने तो वैसे ही मुझे बहुत बहुत पसंद है, आप लोगों को भी पसंद होंगे आई होप, अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद,
रोटियां बनाने के बाद। रोटियां बन गई थी, खाना खा चुके हैं, सब कुछ हो गया है और अभी हो रही है ईशा की अजान, क्योंकि खाना मैंने बच्चों को जल्दी से खिला दिया था। बच्चे ट्यूशन से आते ही बस खाना खा लेते हैं और अभी नीचे गए हैं एक चक्कर लगाने के लिए। जब तक बच्चे नीचे ना जाएं एक चक्कर लगाने तो बच्चों का खाना हजम ही नहीं होता है। और तो बस मैं अभी मेरा जो रात का डेली का काम है, बच्चों के बैग पैक करना, थर्मोस वॉश करके इनको थर्मोस को भरना, तो बस मैं ये काम करती हूँ और अपने व्लॉग का एंड यहीं पर करूँगी। बच्चों को नीचे से बुलाती हूँ, बस सुलाऊँगी, नमाज़ पढ़ के नमाज़ पढ़ूँगी। अजान हो रही है, नमाज़ पढ़ने के बाद 8 तो बजे जाएंगे, 8:15 हो जाएंगे सारे काम करके, तो बस बच्चों को लिटा दूंगी और बच्चे 15-20 मिनट में बस बिस्तर पे लेटते हैं और बच्चे सो जाते हैं। तो इंशाल्लाह कल नए व्लॉग के साथ मिलेंगे। अपनी बहुत सारी दुआ में याद रखें, खुश रखें, खुश रहें, आपस में मिलजुल कर रहें, प्यार बांटें बहुत सारा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।